हेलो फ्रेंड्स, ईवा रसोई में आपका स्वागत है। सर्दियों का मौसम है और इस मौसम में हमें गर्मा गर्म डिशेस बना के खाने का मन होता है हम सबका। इसलिए आज मैं लेकर आई हूँ ऐसी डिश जो हेल्दी होने के साथ साथ बनाने भी बहुत सिंपल है। इसमें मैं आपको बताऊंगी शकरकंदी, जिसे हम स्वीट पोटैटो भी कहते हैं। इसको बनाने के दो अलग अलग तरीके जो बहुत ही सिंपल है। पहले तरीके में हम बॉयल करके बनाएंगे। तो अब हम इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इसको बनाने के लिए हम लेंगे 4 शकरकंदी। इसको हम अच्छे से वॉश करेंगे पानी में 2-3 बार, क्योंकि इस पर काफ़ी मिट्टी लगी होती है। फिर हम धुली हुई शकरकंदी के ऊपर देसी घी लगाएंगे। आप देख सकते हैं हम एक एक करके इस तरह से अच्छे से देसी घी लगाएंगे। फिर हम एक कुकर लेंगे, उसमें हम एक एक करके देसी घी लगाई हुई शकरकंदी को रखेंगे। इसमें हम कोई भी पानी नहीं डालेंगे। फिर ऊपर से हम कुकर को बंद करेंगे और कुकर को हम मीडियम फ्लेम पर रखेंगे। जब तक हमारी शकरकंदी तैयार हो रही है, तब तक मैं आपको दूसरे तरीके से इसे बनाने की विधि बताती हूँ। इसमें हम 5 से 6 शकरकंदी लेंगे। अब हम इन्हें एक एक करके चूल्हे की लकड़ी की अंगारों में डालेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से हम एक एक करके इन्हें डालेंगे। जब तक ये शकरकंदी हमारी भुनकर तैयार हो रही है, तब तक हम कुकर से दूसरी शकरकंदी को निकाल लेते हैं, जिसे तैयार होने में 10 से 15 मिनट लगे हैं। ये देखिए हमारी शकरकंदी बनकर तैयार हो गई है। इस शकरकंदी को बनाने के लिए हमने पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है। इस शकरकंदी को आप छील कर खा सकते हैं या फिर चाट बनाकर खा सकते हैं। अब दूसरी तरफ हमारी भुनी हुई शकरकंदी भी तैयार हो गई है। अब हम इसे एक एक करके निकाल लेंगे। Thank you.
ये देखिए हमारी शकरकंदी भूनकर तैयार हो गई है। इस तरीके से शकरकंदी का फ्लेवर थोड़ा स्मोकी रहता है और इसका क्रश भी थोड़ा हार्ड हो जाता है। अब हम इस शकरकंदी को ऐसे भी खा सकते हैं या फिर आप चाट बनाकर खा सकते हैं। ये तैयार होगी हमारी आज की रेसिपी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।